हम लोग बिपिन चंद्रा सिंह देख रहे थे और इससे पहले हमने देखा था जो 20th सेंचुरी है उससे जो पहले का पूरा इंटरनेशनल जो भारत की विदेश नीति है और वो नेशनलिस्ट विदेश नीति. द वेरी चैप्टर वी आर डिस्कसिंग इज डेवलपमेंटल ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड. ठीक है, तो जब भारत खुद स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब भारत खुद अपनी स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जब भारत का इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, इसी के साथ साथ जो भारत की विदेश नीति है वो भी नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग देख रहे थे. इससे पहले हमने जो एक टाइम पीरियड है इतिहास का 80s से लेकर के 1914 तक का जो डेवलपमेंट था ये देखने की कोशिश की थी. इसमें मेजर डेवलपमेंट हमने देखे थे. अभी हमें बात करना है 1914 के बाद, यानी कि 1940s के बाद जो 14 के बाद जो दौर शुरू होता है उसे कहते हैं पोस्ट वार, ना पोस्ट वार पीरियड, क्योंकि वर्ल्ड वार इस समय खत्म हो गया था. अब जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया था, सॉरी वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, तो जब इसके बाद जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज बनती हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, टैक्टिक्स बनते हैं और जो डिबेट्स होती हैं इतिहास के अंतर्गत, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. अब देखो, जब 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो सबसे पहले भारत के जो, चाहे वो मॉडरेट्स का सेक्शन हो या इवन तिलक जैसे नेता भी, जो गवर्नमेंट होती है, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका सपोर्ट करते हैं. क्योंकि उनको दो चीज लगता है, पहले आप जानो, लोग क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं, दैट इज देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, आप भी कर सकते हैं, यू हैव योर ओन आइडियोलॉजी, तो वो आप स्वतंत्र हैं. बट आप जानो कि जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड वार में किसके खिलाफ लड़ रही है, जर्मनी के खिलाफ. ठीक है, अब जर्मनी को जो ऐसा टैग मिला हुआ है कि ये कौन सी पावर है, डिक्टेटरशिप है, या यहां पर और भी कई सारे जर्मनी के ऊपर चार्ज लगाए जाते हैं. ऊपर से जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है ना, ब्रिटेन की गवर्नमेंट किस राइट पे, किस लिए लड़ रही है कि भाई हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम क्या हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं. ठीक है, हम ह्यूमन राइट पे विश्वास करते हैं. तो जब भारत के लोगों ने देखा कि यार ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के पॉइंट लेके चल रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम ब्रिटेन की मदद करेंगे अभी तो जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो ब्रिटेन हमें भी तो डेमोक्रेसी देगा यार, हमारे यहां भी तो ब्रिटेन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. इसीलिए भारत के लोगों ने उस समय जो लोग भी थे, ठीक है, उन लोगों ने पार्टिसिपेट तो नहीं किया, क्योंकि पार्टिसिपेट करने का कोई है नहीं, जो भारत के सैनिक भी कुछ बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको पीछे से बैक दिया. इसी को कई सारे लोग इतिहासकारों में अलग बहस होती है, जो राइट विंग के इतिहासकार हैं उनके अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लेफ्ट विंग के इतिहासकार हैं उनके अलग पॉइंट ऑफ व्यू है. तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता रहता है. तो आपको ये याद रखना है कि जो ब्रिटेन को का जो साथ देना है इस वर्ल्ड वार के समय, जो पहला पॉइंट है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका इतना मोटिव है कि हमें क्या करेगा, लॉयल्टी विल यील्ड समथिंग, हमें क्या मिलेगा, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल राइट्स कुछ मिल जाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करेंगे. तो दिस वॉज अ होप. क्या था, वर्ल्ड वार के बाद एक होप थी इंडिया के लोगों की जो बुरी तरह से सेटल्ड होती है. तो पहला पॉइंट आप ये याद रखना, ठीक है. अब इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, एक टाइमलाइन के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. तो ये पोस्ट वर्ल्ड वार वाला पीरियड का पूरा टाइम आपको समझ में आता है. अभी जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे थ्रू टाइमलाइन वो ये है कि अगर हम लोग ऐसे देखें, ठीक है, फ्रॉम There are so many days. उसके थ्रू हम देखो कि फॉरेन के जो इंडिया के लोग हैं वो कैसे अपनी आवाज को रखते हैं. जैसे आपको पता है जब वर्ल्ड वार खत्म होता है तो 1919 में ही भारत के लोग डिमांड करते हैं कि हमें पीस कॉन्फ्रेंस में भेजा जाए. कहां पर, पीस कॉन्फ्रेंस में. अब पीस कॉन्फ्रेंस आप पूछोगे क्या है, ये वही पीस कॉन्फ्रेंस है जो वर्ल्ड वार वन के बाद पेरिस में होती है. ठीक है, इसलिए इसे कभी कभी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं. इसी कॉन्फ्रेंस को वर्साइल की ट्रीटी भी कहते हैं. क्या, ट्रीटी ऑफ वर्साइल. इसी ट्रीटी ने तो जर्मनी की कमर तोड़ दी थी. तो भारत के लोग कहते हैं भाई हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेजना चाहिए क्योंकि ये पीस की कॉन्फ्रेंस है. भारत के लोग उस समय आते हैं लेकिन वहां पर उनको सफलता नहीं मिलती है. तो ये देखो भारत में कैसे
डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, इसी को ना कहते हैं भारत का आउटलुक का इंटरनेशनलाइजेशन, कहता है कि भाई वर्ल्ड वार हुआ यहाँ पर इंडिया भी जाएगा, इंडिया किसी से कम थोड़ी है। लेकिन चूंकि उसको सफलता यहाँ पर नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर आप देखो कि ये आवाज रखना ही बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड वार टू हुआ है, जहां पर जितने एलाइज कंट्रीज हैं जिनकी विजय हुई है, मित्र राष्ट्र जो हैं वो जर्मनी जैसे कंट्रीज पर इम्पोज करते हैं, स्ट्रिक्ट रूल लगाते हैं। और आपको पता है एक और चीज यहां पर हुई थी, लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था। क्या बनाया गया था? लीग ऑफ नेशन, इसी का डेवलपमेंट था ना लीग ऑफ नेशन, ये आप शब्द भी याद रखना। लीग ऑफ नेशन का भी डेवलपमेंट इसी के बैकड्रॉप में हुआ था वर्ल्ड वार के बाद, की शांति से हम लोग रहेंगे। अब दूसरा सुनो 1920 में, अब 1920 में भारत जो टर्की के साथ या हिंदी में तुर्की के साथ जो अन्याय होता है उसके खिलाफ भी बोला जाता है। ये हम लोग बहुत डिटेल में देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था ट्रीटी ऑफ सेवरस ना, और खलीफा वाला पूरा इशू, तो वो आप यहीं पर उसको मेंशन कर सकते हैं, जो खैलिफ का कॉन्सेप्ट है ये हम लोग देख चुके हैं, नॉन कॉपरेशन के पहले खिलाफत आंदोलन वाला पूरा, जो इंडिया के लोग इवन गांधी जी वगैरह खैलिफ की मुस्लिम इंडियन मुस्लिम पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पर भी इंटरनेशनल आउटलुक भारत का देखने को मिलता है। इवन जो गांधी जी जैसे लोग होते हैं और भारत के जो प्रबुद्ध ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं, जो आर्मी के जो जवान होते हैं कहते हैं, आर्मी के आप लोग वेस्ट एशिया में अगर आपको जाना है तो मत जाना, यानी आर्मी को ज्वाइन ही मत करना अगर आपको वेस्ट एशिया में लड़ाई करनी है। वेस्ट एशिया मतलब टर्की, यही सारी कंट्रीज है ना, और भी कई सारी कंट्रीज हैं, लेबनान, इराक, तो देर आर सो मेनी नेम्स गिवन इन द बुक, बट ऑन द होल आपको टर्की को पॉइंट में रखना है, और भी कई सारी कंट्रीज हैं, इजिप्ट, सब पर बोलते हैं, वो आगे हम भी हम देख लेंगे। तो ये पॉइंट हो गया। अब तीसरा आप देखो 1921 आ जाता है। अब अभी आपने अगर पढ़ा हो तो इस दौरान थर्ड एंग्लो अफगान वार शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ साथ फिर एक संकट आ जाता है, ठीक है, और फिर से इंडिया का ट्रूप्स यहां पर भेजा जाना शुरू हो जाता है, और फिर से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और कई सारे जो नेता हैं गांधी जी एंड टीम, वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई अंग्रेज जो है ये गलत कर रहे हैं, इंडिया के ट्रूप्स का, इंडिया के पैसे का, इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंशन करते हैं, बाद में हमें उसको पे करना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा चलता रहता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेट है 1922 की। अब 1922 में क्या होगा, जो बर्मीज वार है, बर्मा के लोग हैं। अब बर्मा के लोग में हम लोगों ने इसको पहले ही देखा था कि बर्मा को 1885 में एनेक्स कर लेती है ब्रिटिश की गवर्नमेंट, कॉलोनियल पावर, इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस। अब चूंकि बर्मा अपना स्ट्रगल करना चाहता है, इसको इंडिया के साथ मिला दिया गया है, ठीक है, बर्मा को इंडिया के साथ मिला दिया गया है, लेकिन इंडिया के लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इवन गांधी जी मेड अ स्टेटमेंट कि बर्मा से हमारा कोई सिविलाइजेशनल लिंक नहीं है, बर्मा के लोगों का रेवोल्यूशन अपनी जगह पे सही है, क्योंकि बर्मा के लोग भी अपना इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, उनको इंडिया के साथ लिंक कर दिया गया है कॉमर्शियल पावर के लिए। तो गांधी जी खुद भी लिखते हैं, रिटन इन द बुक एज वेल, कि द इंडिपेंडेंस मूवमेंट लेड बाय बर्मीज पीपल इज फेयर एनफ, क्योंकि वर्मा के साथ हमारे कोई हिस्टोरिकल या सिविलाइजेशनल लिंक्स नहीं है, बर्मा हमेशा से एक अलग ही देश रहा है, तो उसको भी जस्टिफाई किया जाता है। अब सबसे बड़ा ये इसको मैं रफ कर देता हूं उधर से वेस्ट एशिया में ये। अब इसके बाद दो बहुत ही बड़े मेजर डेवलपमेंट होते हैं, ये मैं रफ कर दे रहा हूं। 1990s में जो पीस कॉन्फ्रेंस होती है वर्साइल की ट्रिटी में, यहां पर भी भारत के लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टर्की का पूरा इशू को रिस्क किया जाता है, अफगानिस्तान में जो युद्ध होता है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, और बर्मीज का जो फ्रीडम स्ट्रगल होता है उसके लिए भी साथ दिया जाता है। तो ये अब हम कर रहे हैं। और इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलते हैं, वो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने जो पैन एशियन वाली जो बात हम लोग कह रहे हैं उसमें से सबसे पहले, इससे पहले जो हमने बात किया था पैन एशियन कॉन्शियसनेस ना, तो उसमें चाइना के बारे में हमने बात किया था। यहां पर चाइना में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, वो है जिसको कहते हैं नॉर्दर्न मार्च ऑफ चाइना, ठीक है। देखो ये वैसे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि आप देखो चाइना को 1911 के आसपास चाइना डिसइंटीग्रेट हो गया था, क्या हो गया था, टूट गया था, बिखर गया था, तो इसी को चाइना के यूनिफाई करने के लिए वहां के जो रेवोल्यूशनरी पार्टीज हैं जिसे
ठीक है, चाइना के जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होते हैं वो एक मार्च निकालते हैं, ठीक है, मतलब उनका मकसद रहता है चाइना को यूनाइट कर देना, ठीक है, मतलब एक चाइना बनाना। अब आपको पता है कि चाइना में कोई भारत जैसा स्ट्रगल मूवमेंट तो हुआ नहीं, तो उनका केवल इतना प्रॉब्लम था कि उनकी जो अपनी सरकारें हैं वो कुछ चाइनीज नेम है, तो वो उतना ज्यादा हम नहीं जा रहे हैं वहां पर, बट इनका जो पूरा का पूरा एज अ होल कॉन्सेप्ट है चाइनीज के लोगों का कि जो उनकी अपनी वार लॉर्ड्स हैं और जो वहां का अपने उनकी जो समस्याएं हैं जिसे ऑटोक्रेटिक रूल्स हैं उसको हटा करके चाइना को एक मिलाया जाए। अब यहां पर फिर से ब्रिटिश की गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवीन करना शुरू कर देती है, क्या इंटरवीन करना शुरू कर देती है। अब इसी इंटरवेंशन में क्या होता है, ये सहारा लेते हैं इंडियन ट्रूप्स का, किसका, इंडियन ट्रूप्स का, इंडियन ट्रूप्स को भेजा जाता है। तो जब इंडियन ट्रूप्स को भेजा जाता है तो गांधी जैसे लीडर, आप देखो ये 1926 की घटना होती है, 1926 में किया जाता है, ठीक है, तो गांधी जैसे लीडर ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं कि जो भारत के ट्रूप्स चाइना को के इनोसेंट लोगों को मारने के लिए उनकी दबाव उन पर दबाव बनाने के लिए भेजे जा रहे हैं, ये इनह्यूमन एक्ट है, ठीक है। उसके बाद में इवन 1927 में आप देखो भारत में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक एक्ट भी पास कराया जाता है कि ये बहुत ही गलत हो रहा है कि भारत, मतलब पेश किया जाता है एक बिल कि ये बहुत ही अन्याय हो रहा है, ब्रिटिश की गवर्नमेंट भारत के सैनिकों को और चाइना के लोगों को दबाने को, उनका जो मूवमेंट है उसको दबा रही है, उनकी आवाज को, दिस इज नॉट फेयर। तो ये पूरा का पूरा एपिसोड चलता रहता है, ये चाइना का नॉर्दर्न मार्च। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम देखने वाले हैं वो है बहुत ही इंटरनेशनलाइजेशन जिसे कहते हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स का और वर्ल्ड की पॉलिटिक्स का है, वो सबसे लास्ट में लगभग 5-6 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, लास्ट है छठवां पॉइंट ही, वो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी कॉलोनाइजेशन एंड एंटी इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस, ठीक है, इन एंटी इंपीरियलिज्म। आप ये जानो कि कॉलोनियलाइजेशन और इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस के खिलाफ 1927 में बेल्जियम नाम का एक देश है, बेल्जियम में, इसको ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, क्या कौन से कॉन्फ्रेंस के नाम से, ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर एक मीटिंग होती है बहुत बड़ी, जो पूरे के पूरे सबसे मेजर रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज रहती हैं जिनको कॉलोनियल पावर ने सता करके रखा है, चाहे वो अफ्रीका के देश हो, ठीक है, चाहे वो अफ्रीका के हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका के देश हो, कहां के, लैटिन अमेरिका के और एशिया के, सभी लोग लगभग 175 के आसपास डेलीगेट्स आते हैं ब्रुसेल्स में और मंथन करते हैं चीजों को, और भारत से जो प्रतिनिधित्व करने जाते हैं उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इस पर हम लोग कई बार देख चुके हैं, नेहरू को जब हमने देखा था तो वहां पर भी इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है, लेकिन फिर भी नेहरू जी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और नेहरू जो पॉइंट रखते हैं वो दो पॉइंट रखते हैं, पहला नेहरू कहते हैं जो कैपिटलिज्म है, क्या है, जो कैपिटलिज्म है और जो इंपीरियलिज्म है वो एक ही चीज है, ठीक है, मतलब लिंक करके इस पे बहुत बड़ी स्पीच देते हैं, और दूसरा नेहरू ये बोलते हैं जिस पर जोर देते हैं वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो भारत का राष्ट्रवाद है, जो भारत का राष्ट्रवाद है इंडियन नेशनलिज्म, इसका इंटरनेशनलाइजेशन करते हैं नेहरू, क्या करते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन, कि जो इंटरनेशनल आउटलुक देने की कोशिश होती है वो इसी कॉन्फ्रेंस से दिया जाता है। तो ये आपको काफी हेल्पफुल होगा ये पॉइंट। अब ये जानो जब नेहरू 1927 में आते हैं तो 1928 में ही कलकत्ता में एक सेशन होता है, कलकत्ता का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भारत के अंतर्गत, क्योंकि इसने गांधी और मोतीलाल नेहरू को भी एक साल का समय दिया था कि एक साल आप लोग रुक जाओ देख लो, नहीं तो हम लोग पूर्ण इंडिपेंडेंस का वो रेजोल्यूशन पास कराएंगे। तो वही जो कलकत्ता में रेजोल्यूशन होता है, यहां पहली बार जो एक और काम हुआ था कि जो भारत का नेशनल मूवमेंट है, एनएम, नेशनल मूवमेंट जो भारत का है, इसको क्या बताया जाता है कि दिस इज वन अमंग दी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द ग्लोब, मतलब इसको इंटरनेशनल आउटलुक दे दिया जाता है। और जो ये कॉन्फ्रेंस होती है ब्रुसेल्स के अंतर्गत, इसमें एक लीग भी बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, लीग, इसमें एक लीग बनाई जाती है, और इस लीग के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नेहरू साहब को भी रखा जाता है। तो ये आप याद रखना, ठीक है, कि जो, और ऐसा ही नहीं है, अब और जो हम लोग बात कर रहे थे
20th सेंचुरी की, तो उसमें कुछ और नाम भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये पहली बार नहीं कि नेहरू जी ही गए हैं, इससे पहले 1904 में जो दादा भाई नरोजी होते हैं, दादा भाई नरोजी वो हेग के अंतर्गत सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए रहते हैं। उसके बाद में आपको पता है लाला लाजपत राय 1914 से 18 तक अमेरिका में रहते हैं, यूएसए में। तो ये अमेरिका का जो मूव होता है वो एडवार में पार्टिसिपेट करता है, उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि जो लाला लाजपत राय हैं वो अमेरिका के यूएसए के मूव को भी क्रिटिसाइज करते हैं जब वो अमेरिका में 4 साल वहां पर रुकते हैं तब। उसके बाद में आपको गांधी जी को तो हमेशा कोट ही कर सकते हैं, क्योंकि लगभग इनके जो हम लोग बात कर रहे हैं तो गांधी जी, चाहे वो रस्किन के साथ संबंध हो, मतलब इंटरनेशनल आउटलुक में ये सब भी आप लिख सकते हो, दादा भाई नरोजी को, लाला लाजपत राय को और गांधी जी को, चाहे वो रस्किन के साथ, टॉल्स्टॉय के साथ उनके रिलेशन, अफ्रीका में देखो इंटरनेशनल आउटलुक है। तो दीज आर द की पॉइंट्स इन 20th सेंचुरी। अभी हम लोग ब्रसल्स तक पहुंच चुके हैं। ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर एक लीग बनाई जाती है जिसके उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नेहरू को रखा जाता है। और इस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी पार्टिसिपेट करते हैं ना। अल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत बड़े नोबेल लॉरेट भी हैं, वो तो फिजिक्स में E=mc², तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और कई सारे। अच्छा, ये ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस में जो सबसे 3 मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें नेहरू आते हैं और भारत के लोगों को पहली बार बताते हैं कि यार हम ही नहीं हैं, लैटिन अमेरिका की बहुत बुरी हालत है। तो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के जो कॉन्गो के आसपास के देश हैं उनकी बातों को बहुत बखूबी रखा जाता है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रसल्स में, इसको ऐसा माना जाता है कि जो लीग ऑफ नेशन है, क्या है, लीग ऑफ नेशन, जिसको 1919 में बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन जिसको उन देशों ने बनाया था जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जो है डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, लीग ऑफ नेशन के खिलाफ इसको माना जाता है, उस पर अटैक माना जाता है, उसके अगेंस्ट माना जाता है कि ये पेरिस में अपनी लीग बना लेते हैं, सॉरी ब्रसल्स में, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी कोलोनाइजेशन एंड एंटी इंपीरियलिस्टिक, ठीक है, तो इसको ऐसे भी ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं जनरली। सो दिस एंड इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड और द इंडियन नेशनल कांग्रेस और द इंडियन नेशनलिज्म वाज रिप्रेजेंटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस बाय नेहरू। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक और लास्ट स्टेज है भारतीय स्वतंत्रता से पहले, जो 1936 के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ और भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे।